हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। एक साल का बच्चा क्या राजनीति करेगा, हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं। डंका बजाने वाले जो है ना अपने देश का, भारत का जिन्होंने डंका बजाया है वो ये खिलाड़ी हैं। लेकिन हम ये आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे, उसको बचाने के लिए सिर्फ एक गुंडे हत्यारे बलात्कारी को बचाने के लिए सरकार ऐसे ऐसे एजेंडे पेश कर रही है। इतनी धूप पड़ रही है, आप बच्चे को लेके यहाँ पर आई हैं जंतर मंतर में बेटियों को समर्थन करने? क्या सर, जो बेटियाँ वहाँ बैठी हैं, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो कल ये भी उसी जगह होगी। ये एक साल की बेटी है मेरी, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो ये भी कभी ना कभी शोषण का हिस्सा बनेगी। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी इस शोषण में बने, तो हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। क्या मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? ब्रजभूषण के लिए मांगे, उसको कार्रवाई की जाए जो भी है। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, चोरी करने वाला तो कभी नहीं बोलता मैं चोर हूँ। उसके लिए नार्को टेस्ट करवा लो ना। कल साक्षी मलिक जी ने बोला है कि अगर दोनों का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। एक तरफ स्मृति ईरानी चुप है और दूसरी तरफ वो मूवी देखने जा रही है केरला फाइल, इसके बारे में क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी इंसान कहलाने के लायक नहीं है मेरी नज़र में। स्मृति ईरानी के दो रूप आप देख ही चुके होंगे, पीछे आपने पिछली सरकार में स्मृति ईरानी को इन्हीं धरनों पे देखा होगा। आज वो धरनों पे है नहीं, क्यों नहीं है? क्या वो एक महिला नहीं है? क्यों उन्हें बेटियों की चिंता नहीं है जिस तरीके से वो बड़े बड़े वादे करती हैं? मुझे लगता नहीं उन्हें चिंता है। लेकिन जंतर मंतर पर जितने भी लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक आंदोलन जीवी है और वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। एक साल का बच्चा क्या राजनीति करेगा, हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं। सरकार का क्या कह सकते हैं, जो अभी सब इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। आपको कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर और सरकार पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है? दिल्ली पुलिस ने जो हमारी बेटियों के साथ किया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो विश्वास के लायक है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ कहते ही है, करते नहीं है। अगर करते हो तो ये 19 दिन से ये सब नहीं हो रहा होता इनके साथ। इनका शोषण यहाँ भी किया जा रहा है, वहाँ तो हुआ ही है, यहाँ भी हो रहा है इनका शोषण। आप खुद देख रहे होंगे, आप लोग कवरेज करते हैं डेली, तो इनको जब बरसात हुई थी कुछ दिन पहले तो आपने वो देखा था, रात को इनको बेड नहीं प्रोवाइड किए गए। जो ये बेड खुद लेके आ रहे हैं वो भी नहीं प्रोवाइड हो रहे, तो ये सोएंगे कहाँ? जंतर मंत्र बनाया किस लिए गया? धरना देने के लिए बनाया गया ना, आंदोलनकारियों के लिए तो बनाया है। तो वो कहते हैं कि ये सब चीजों की परमिशन नहीं थी तो धरना देने आए, मतलब बेड की क्या परमिशन? जंतर में बेड की परमिशन, अगर बरसात है तो क्या करेंगे, परमिशन क्या करेगी? आप प्रकृति को आप हिला सकते हो? ब्रजभूषण कह रहे हैं जहाँ पर जंतर मंतर पर जो पहलवानों के सपोर्ट में जो लोग हैं उससे ज्यादा लोग मैं जंतर मंतर पर इकट्ठा कर दूंगा। हाँ तो करे ना, अच्छी बात है। इंसान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, आप कमेटी बिठाओ, जो सही है उसको सही रखो, जो गलत है उसको गलत दो। आंदोलन को किसी ना किसी तरह दोबारा से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल की जा रही है मैम, लेकिन हम ये आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे, उसको बचाने के लिए। इन बेटियों की इज्जत और इनको न्याय देने की तरफ सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। इतने दिन से धरने पर बैठे हैं और सरकार मतलब आंख बंद करके एक बलात्कारी हत्यारे के पक्ष में मतलब समर्थन करवा रही है। उसकी आईटी सेल ऐसा काम कर रही है कि मतलब उसको खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने की बजाय उनको और ज़्यादा तंग किया जा रहा है। पिछले 19 दिन से बेटियां यहां पर बैठी हैं, आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, खाप खेत खेड़ों को मानने वाले लोग हैं। जब हम इतने दिन से यहां पे शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो हमारे देश का संविधान और कानून को मतलब ये आज की सत्ताधारी सरकार और ये नेता क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। एक संसद के अंदर मतलब कोर्ट के आग्रह के ऊपर FIR हुई है, अदरवाइज FIR भी नहीं हो रही थी। तो बड़े बड़े गुंडों के साथ है ये सरकार और इन जो जिन देश पूरे के पूरे देश में अपने देश का नाम जिन खिलाड़ियों ने पूरे संसार में किया है उन खिलाड़ियों को सड़क पर लाने का काम इस सरकार ने किया है। जाति के आधार पे लेके जा रही है, एक प्रदेश विशेष पे लेके जा रही है, सिर्फ एक गुंडे हत्यारे बलात्कारी को बचाने के लिए सरकार ऐसे ऐसे एजेंडे पेश कर रही है। सारी सोशल साइट पे इनका जो इनकी आईटी टीम है, आईटी सेल की टीम में है वो एक्टिव है टोटली, वो मतलब खिलाड़ियों को दरकिनार करने के लिए आंदोलन। ये खुद एक फोटो जीवी है मैम, खुद फोटो खिंचवाता फिरता है, कहीं भी है, हर जगह मतलब जाति धर्म की राजनीति करते हैं।
और अगर ऐसे निष्पक्ष ये हैं, इन्होंने अगर डंका बजाया, असली डंका बजाने वाले जो है ना अपने देश का, भारत का जिन्होंने डंका बजाया है वो ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशों में जाके अपने देश का नाम रोशन किया है, तिरंगा फहराया है। पर ये जो हमारी सरकारें हैं ये ही सरकारें इन पहलवानों को सड़क पर लाकर छोड़ने के काम कर रही है, इनको न्याय देने की बजाय अन्याय का काम सरकार कर रही है। क्या पट्टी हाँ जी बिल्कुल, देखो मैम हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और यहाँ पे विरोध करने का एक तरीका है, हम काले झंडे दिखा के काली पट्टी बांध के सरकार को शांतिप्रिय तरीके से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर उसमें ही मतलब तरह तरह के अब भी रास्ते में आ रहे थे, तो मैंने घर से मैं जब चला था शुरू से मैंने ये लगा रखी थी, तो रास्ते में 6 जगह पुलिस वाले ने रोक के मतलब के इधर उधर गलत रास्ता बताने की कोशिश करी है, यहाँ भी 3-4 जगह से वैसे मतलब इधर उधर घूम के तब एंट्री हुई है। तो मतलब सरकार खुद चाहती है कि लोग इकट्ठे ना हो ताकि खिलाड़ियों को न्याय मिल सके, खिलाड़ियों के पक्ष में ज़्यादा जन समर्थन ना पाए, पर सरकार बिल्कुल एक अंधेरे में खड़ी है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि 21 तारीख का हमने टाइम दे रखा है। जैसे ही तब तक अगर ये शांतिप्रिय तरीके से हम कर रहे हैं प्रदर्शन, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को दिखा देंगे कितना जन समर्थन हर तरीके से खाप खेत खेड़े सब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और हम जीतेंगे। पिछले 15 दिनों का आश्वासन दिया गया है, पहली बात तो मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। मैं 4 दिन पहले भी यहाँ आया था बहनों के सम्मान के लिए और उसी के लिए मैं दोबारा लौट के आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक बहनों को इस देश में सम्मान नहीं मिल जाता है, जब तक उनके साथ कंधे से कंधे मिला के मैं उनके साथ चलता रहूँगा। मेरा कहने का मतलब ये, सरकारों से मेरे को ये कहना है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया सरकारों की क्या मजबूरी है, सरकारों की क्या मजबूरी है कि गुंडों को, बाहुबलियों को, दमंगों को पार्लियामेंट में बैठाती है, उनको टिकट देती है, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है। क्या जनता जो है जनता से वोट लेती है, जनता से वादे करती है, अच्छे लोगों को हम लाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सब वो करेंगे, लेकिन आके जितने भी लोग हैं क्या से इन लोगों को अभी तक बर्खास्त नहीं करा गया, और बर्खास्त ना करना सरकार का क्या फेलियर है? सरकार को नहीं समझ में आ रहा कि जिन बहनों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया उनके साथ आप न चल के और एक बाहुबली गुंडे के साथ आप कंधे से कंधे में खड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पहले तो मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन बहनों ने इतनी बड़ी आवाज़ दी, नहीं तो उनके विरोध में ब्रजभूषण सरीसे के विरोध में कोई बोलने वाला नहीं था, ना ब्रजभूषण सरीसे को आदमी को कोई इस पर लेके खड़ा कर सकता था, जिसके ऊपर 38 मुकदमे होने के बाद भी उस आदमी से आज तक ना तो पद से इस्तीफा लिया गया और ना उसको आज तक गिरफ्तार किया। पास को एक साफ साफ कहता है कि उसमें पहले सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के बाद आदमी को दे, क्योंकि कोई भी आदमी पद पर रहते हुए उसके साथ न्याय नहीं हो सकता जब तक वो पद पर रहे।